नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और यह है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G जो हाल ही में लॉन्च हुआ है इंडिया में स्नैपड्रैगन 865 के साथ। और इसमें आपको मिलती है बैटरी 4500 mAh की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉक्स में इसके साथ आपको मिलता है 15 वॉट का चार्जर, तो काफी स्लो चार्जिंग होने वाली है। लेकिन ये जो फोन है 25 वॉट चार्ज सपोर्ट करता है, तो आप 25 वॉट का जो चार्जर है सैमसंग का उसे यूज करके अपने फोन को चार्ज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ, अगर आप 25 वॉट का चार्जर यूज करते हो सैमसंग का, तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा इसे फुल चार्ज होने में। तो ये जो फोन है पूरी तरह से अब यहाँ पे ड्रेन आउट हो चुका है, 0% इसकी बैटरी है, स्विच ऑफ हो चुका है। तो मैं यहाँ पे इसे करूंगा 0 to 100% फुल चार्ज, और यहाँ पे हर 20% के बाद यहाँ पे मैं जो टाइम है नोट करता जाऊंगा और टेम्परेचर भी यहाँ पे चेक करता जाऊंगा, ताकि हमें ये भी पता चले कि चार्जिंग के दौरान कोई हीटअप होता है कि नहीं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे फोन को चार्जर के साथ कनेक्ट कर दिया है। जब फोन यहाँ पे 1% चार्ज होगा तब मैं इसे स्विच ऑन करूंगा। हालांकि इसमें कोई भी कनेक्शन ऑन नहीं रहेगा और AOD भी इसमें ऑन नहीं रहेगी, लेकिन फोन ऑन रहेगा बिना कनेक्शन के, बिना AOD के, और देखेंगे कितना टाइम लगता है फुल चार्ज होने में। तो मैं यहाँ पे स्विच ऑन करूंगा और टाइमर को एक साथ स्टार्ट करूंगा। मैंने स्विच ऑन कर दिया है और टाइमर भी स्टार्ट कर दिया है। फुल्ली चार्ज हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो, और इसे फुल चार्ज होने में लगे हैं 1 घंटे और करीबन 20 मिनट, मतलब 80 मिनट में फोन जो है फुल चार्ज हो जाता है 25 वॉट के फास्ट चार्जर से। और आप यहाँ पे देख सकते हो फोन पूरी तरह से चार्ज हो चुका है, 100% फुल चार्ज आप यहाँ पे देख सकते हो। और बात करेंगे लास्ट में इसके टेम्परेचर की, तो यहाँ पे अब फ्रंट में है 36 36। ओके, फ्रंट में हमेशा 36 ही था स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, और बैक में 37 था चार्जिंग के दौरान, लेकिन अभी यहाँ पे 36 हो चुका है। तो नॉर्मल है, फोन हीटअप होता नहीं है चार्जिंग के दौरान। और बात करेंगे यहाँ पे चार्जर की, तो चार्जर पहले पहुंचा था 40 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम, लेकिन अब यहाँ पे 37 है। और अच्छी बात है कि चार्जर हीटअप होता है लेकिन फोन हीटअप होता नहीं है चार्जिंग के दौरान। और अगर आप यहाँ पे ब्रेक डाउन करोगे यहाँ पे लैब के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0 से 20% 12 मिनट में हो चुके थे, फिर 20 से 40% 14 मिनट में, 40 से 60% 14 मिनट में, और फिर 60 से 80% वापिस 14 मिनट में। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी चार्जिंग हो जाती है 80% तक, मतलब आप 55 मिनट्स में ही 80% चार्जिंग कर सकते हो, 1 घंटे से भी कम समय में 80% चार्जिंग हो जाएगी आपके फोन की। लेकिन जो लास्ट वाला लैप होता है 80% से लेकर 100%, उसे टाइम लगता है करीबन 25 मिनट लगते हैं उसे। और यहाँ पे टोटल टाइम जो लगता है इसे 0 to 100% फुल चार्ज करने के लिए, वो है 1 आवर 20 मिनट्स, 1 घंटे 20 मिनट में आप इस फोन को फुल चार्ज कर सकते हो 25 वॉट के फास्ट चार्जर से। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।